बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जियोलॉजिकल साइट इन्वेस्टिगेशन फॉर द कॉपर एंड लेड डिपॉजिट एक रीजन के अंदर मौजूद हैं। अब हम एक ट्रेवर्स के अलांग मुख्तलिफ जोन्स के अलांग मिनरलाइजेशन कंट्रोल को देखते देखते ऊपर रिज के चढ़ रहे हैं। अभी आप मेरे बैक एंड के ऊपर देख सकते हैं पीछे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, और वो नीचे जो जोन है यहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की है। तो दो तीन पोटेंशियल पॉइंट देखते देखते हम अब इस जगह मौजूद हैं। नीचे हमने देखा एक सल्फाइड ड्रेन अल्टर्ड हो चुकी थी और पूरे का पूरा वो जोन ऑक्सीडाइज्ड हो चुका था, और गुसान और आयरन हेड डेवलप हुआ हुआ था उस रीजन के लंग। तो एक पोटेंशियल पॉइंट था, और उसके साथ साथ हमने ऊपर की तरफ जो आ रहे थे तो राक के सरफेस के ऊपर एक्सपोज पार्ट के ऊपर हम जो मेलाकाइट कापर कार्बोनेट्स हैं उनकी स्टेनिंग कापर स्टेनिंग देख रहे थे। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई पोटेंशियल पॉइंट मौजूद है। अब हम इस टाइम बड़े रफ एंड टफ रीजन के अंदर मौजूद हैं। ये मेरे पीछे आप देखिए पूरे के पूरे वोल्केनिक रॉक्स का जोन है। त्रिची फार्मेशन और गिलगित फार्मेशन की जो मेटा वोल्केनिक्स रॉक का कम्प्लेक्स है। अब हमने जाना वो पीछे ऊपर पहाड़ पर है। ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप पीछे, इस जगह पे गुसान और आयरन हेड का एक पूरा जोन है जिसकी हमने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो लोकल ऑर्डर हैं रशीद भाई वो मेरे साथ हैं। बड़ी हिम्मत है इस बंदे की, लेकिन ये बंदा एक थक गया है। मैं नहीं थका भाई, मैं अभी भी जो है ना फुल जो जिसे आप कह सकते हैं एनर्जेटिक और पैशनेटेड डेडिकेटेड बना हूँ। इसलिए बनो कि मेरा सामान उसने उठाया, मैं तो हाली हाली हैमर और स्टिक लेके चल रहा हूँ। और ये है कि अभी यहाँ फ्लोर सैंपल मिल रहे हैं चालकोपायराइट के और लेड के, गैलिना के सैंपल्स जो राख के साथ अटैच छोटे छोटे पीसेस मिल रहे हैं। अब देखते हैं ऊपर जाके क्या कुछ सिनेरियो है। बट ये है कि भाई इस टाइम तकरीबन 4235 मीटर जो कि कहीं 10-12 हज़ार फीट के ऊपर बनता है, तो इस रीजन के अंदर मौजूद है।